ग्रीन लाइन आ चुकी है और बारिश भी शुरू हो चुकी है लाहौर में, खुशगवार मौसम एकदम से। और ये बारिश जो है वो 27 को कहा था महकमा मौसमियात ने, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त मौसम जो है बहुत ही ठंडा हो चुका है और हर तरफ जो है वो बारिश हो रही है। हमारे बिल्कुल सामने एसी पार्लर आकर खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम बैठ चुके हैं अपने अपार्टमेंट में और हमारी सीट है 3, 4, 5 ये वाला हिस्सा, और ज़ियान साहब पहले इस साइड पे इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो दो बर्थ हैं, ये सामने सीट भी जो है वो ज़ियान अवेल कर सकता है, मैं अभी उधर ही बैठूँगा सुबह। और ये इसमें क्लीनर लगा हुआ है, साथ ही जो है वो वॉशरूम है। और ये है जी पूरा अपार्टमेंट, हमने पहले वाली जो है वो साइड पे करा है। तो हम बैठ गए ट्रेन में बैठ गए हैं। और हेलो आदि, सबको सलाम कर दो घर में जो नहीं मिला, ज़ारा को भी, अहमद को भी, और ऊपर इब्राहिम को, और कौन कौन है ऊपर आपके दोस्त? आहा, चलो हेलो ताहा, तमाम चाचुओं को, ताई मामा, लाइव वाह, बाय बाय, गुड बाय लाहौर, अब्दुमान बाय, सुनिया 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 बाय, और अब्दुल्ला, अब्दुल्ला भाई आ गए, बाय बाय, अबू बाय, और यासिन चाचू गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। रेहान कुछ मालूमात हमें देने लगे हैं इस अपार्टमेंट के बारे में जी। तो ये किस पर्पज़ के लिए हैं, क्यों लगी हुई हैं? रीडिंग करने के लिए। अगर सारी लाइट्स हम बंद कर दें, सारी लाइट्स बंद कर दी जाएँ तो फिर किसी ने पर्सनली ओपन करना है तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये चार्जर भी है, फिंगर नहीं लगते उस पर। ओए ओए ओए, तो ये बार बार जो है वो आ रहे हैं इसने जो है वो सोन हुआ। और ये क्या कर रहे हैं भाई, ये भाई क्या कर रहे हैं आप? आपका नाम क्या है? हेलो, आपका नाम क्या है? कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो? नानों के पास। हम खाना खाने जा रहे हैं। खाना खाने जा रहे हैं किसके पास? अच्छा ट्रेन में, इसको बस ये चार्जिंग है कि ट्रेन में बैठकर हम खाना खाएंगे। और वो लास्ट व्लॉग पे इसको बस यही याद है कि हमने खाना। और ये देखें ट्रेन जा रही है, वो देखें ट्रेन जा रही है, चलें जी। ये बच्चे के काम चेक करें ज़रा, अंकल इसका पकड़ ले, ये बच्चे के काम चेक करें जी अंकल, ये देखें। पहली मरतबा होश में जा रहा है ना। क्या कर रहे हैं ये आदि, क्या कर रहे हैं आदि, क्या देख रहे हैं आप आदि, क्या देखे हैं आप? नो थैंक यू। और खलीफा की नान का था ये मुल्तानी हलवा मेरा देखो। आदि क्या पूछ रहे हैं? ये है पाकिस्तान की ग्रीन लाइन, आपकी है, हाँ बैठ जाओ, ठीक है, मज़े किए? नहीं नहीं, बुरी बात होती है भाई, बुरी बात सिखा रहे हैं आपको, ऐसा नहीं करते, जब ज़रूरत होती है तब चलाते हैं। चलाओ नीचे आओ, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ वापस। एग्जैक्ट 9 o'clock होने लगे हैं और ट्रेन जो है वो लाहौर के स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जो है वह जा रही है बरास्ता, नहीं ये फैसलाबाद नहीं है, रायबंद के जरिए इस रास्ते से जाएगी और ये जा रही है कराची। तो गुड बाय लाहौर, बाकी का हाल हवाल जो है वो आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। मुझे लगता है कि इस ट्रेन में अभी हमें मिलेगा क्या, एक डिनर। हम दुआए सफ़र पढ़ें, आउज़ू बिल्लाही मिन शैतान निर्वजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा
وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون آمين. ये छोटा बच्चा शरारतें कर रहे हैं. अंकल सो गया. अंकल सो गया नहीं कर रहा शरारत. आदि कहाँ पिए हो? मजे क्या? और ये आदि का आ गया मंकी. इसको भी दे दो. आराम से पियो. आराम से. अल्लाह शुक्र. इसको सुलाने के लिए इन्होंने कर दिया बंदोबस्त. अभी आ गई है इनके पास चादरें और ये जो है वो चादरों के साथ जो है वो बिछा भी सकते हैं. और ये अदन जो है वो उल्टे काम कर रहे हैं. अब इसकी मामा इसको समझाने लगी हैं कुछ. तो ये देखें अदन के काम देखें. ये अब इसको पढ़ने लगी है. जल्दी से ये डस्टबिन में डालेंगे. ये गंदे बच्चों वाले. आज ज़ियान ने कभी नहीं ऐसे किया. ज़ियान हमेशा रैपर्स डस्टबिन में डालता है जहाँ पर भी जाता है जिस भी शहर में है ना. जल्दी से तो अभी आएगा आदि. जल्दी से आएगा अपना अच्छा काम करने के लिए. जल्दी से. वेरी गुड. चले जी ये उठाएं. और आपको पता है डस्टबिन कहाँ है? कहाँ है? वेरी गुड. चले जी चले जी चले जी. और ये कर दिया अच्छा काम आदि ने. चलो जी वेरी गुड. अच्छा बच्चा बन गया. अच्छा बच्चा. डिनर आ गया जी. हाँ जी. क्या कुछ? कोरमा है. ये दाल होगी और ये चावल. तो साथ में मिला है एक रायता. तो अभी ज़ियान जो है वो खाना खाने का. बिल्कुल ये रोहरी में एंटर रोड है जो कि वो सामने लिखा हुआ है हॉस्पिटल एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर रोहरी. तो हम ये लिखा हुआ है नॉर्थ केबन रोहरी जंक्शन. यहाँ से अब 15-20 मिनट का स्टे होगा और फिर यहाँ से कराची का फासला तकरीबन 5-6 घंटे का है. अलैकुम. सुबह के 7 बज गए हैं और हम आ गए हैं. ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है. ये देखिए स्पेशल. ठीक है. और ये नीचे उतरने लगे आज जब. तो इधर तो आओ. हम आपको दिखाते हैं कि इसका लोकोमोटिव कहाँ है और कैसा है वो स्टेशन के ऊपर. यहाँ पर पानी रिफिल होता है और उनके लिए जो है वो जा रहा है ब्रेकफास्ट. अंडा पराठा ब्रेड. और ये मस्जिद का प्लेटफॉर्म नंबर 3 वो है.
हाँ ये, हाँ जी ये हम लोकोमोटिव के पास पहुँच गए हैं, ये है GEU 40 हार्स पावर 9050 जियांग जो है वो लुक आफ्टर कर रहा है। हाँ जी रोहड़ी के बाद जो है मिल गया है ब्रेकफास्ट और ज़ियान साहब ने बग़ैर ब्रेक के जो है वो खाना शुरू कर दिया है। इनको मिले हैं क्या मिला है ज़ियान? चाय और अंडा पराठा मिला है और अदन भी खाना चाहे, ये चाय है गम है और अदन का मौकी का है, मौकी का है अदन का मौकी आ हाँ। तो अदन और उसके मौकी ने दांत साफ करने हैं अभी, तो वो जाएंगे, वो इनको मिली हुई है किट और अभी ये दांत साफ करने जाएंगे फिर आपका नाश्ता करें। ये देखो ट्रेन की पटरी। हेलो व्यूवर्स, देखो क्या है ये, क्या है ट्रेन की पटरी। बाय बाय ट्रेन। मेरा प्यारा बेटा कौन है? चलो शो जो बेटे सो। नानू ट्रेन में गई हूँ। हाँ जी कहाँ जा रहे हो? मैं काची जा रहा हूँ। काची जा रहे हो किसके पास? नानू के पास। क्या नानू मैं आ रहा हूँ? नानू मैं आ रहा हूँ हैदराबाद रह के। क्या नानू क्या खिलाएंगी? को हैदराबाद रह के ऐसे को नानू क्या खिलाएंगी? कि नानू के घर में क्या है, क्या कह रहे थे अभी? क्या कह रहे थे? नानू के घर में कोने हैं। कोने? अच्छा तक जो है वो आने वाला है हैदराबाद स्टेशन, वहाँ पे 5 मिनट का स्टे है, 5 मिनट का स्टे है, उसके बाद जो है वो ड्रिग रोड पिन कासिम ड्रिग रोड और फिर आगे लांडी पहले आ जाता है, फिर हमारा स्टेशन जो है वो कराची कैंट है। ये केलों के बागात देखे, साथ साथ और भी सब्जियाँ वगैरह लगी। विंड पावर से एनर्जी बन रही है, ये पूरा एरिया जो है हैदराबाद और कराची के दरमियान। इस वक्त हमने हैदराबाद को क्रॉस करके कराची पे तक तकरीबन 1 घंटे का रास्ता था, अंदर बड़ा चिल मॉल था, हमें फिर से एक कप चाय मंगवाना था। हाँ जी जी आप कैसी है चाय? अच्छी है, सर्दी बहुत हो गई थी, बाहर 45 है और अंदर जो है ना चिल्लर की वजह से बहुत सर्दी है। ये देखें बच्चा सारे चस्के ले लेंगे। Yeah.
जो है वो हम 3:30 बजे जो है वो कराची कैंट स्टेशन पर जो है वो पहुंच गए हैं। इससे पहले आगे 2 ट्रेनें थीं जिसकी वजह से हमें कोई आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा है ताकि प्लेटफॉर्म खाली हो तो जगह मिले। जी जी, तो अब हमें जगह मिल रही है, आई थिंक सो प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो अब दो ट्रेन है। तो आदि कह रहे हैं कि व्यूवर्स अल्लाह हाफिज, बाय बाय बाय। जी व्यूवर्स, उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और हम पहुंच गए हैं तकरीबन कराची में और अदन साहब बाहर के नज़ारे देख रहे हैं और ये हैं मज़े। यहाँ ग्लासेस इन्होंने लगा लिए जो कि बाहर काफ़ी तेज़ हैं और साथ में जो है वो गर्मी भी है। अभी ब्रेक लगने वाली है। अपना ये देखिए बस नज़र आने शुरू हो गई, गाड़ियाँ नज़र आना शुरू हो गई। अब ब्रेक लग रही है। अल्लाह हाफिज़ कर दो व्यूअर्स को। बाय बाय।